जननायक जननेता कहलाने वाले जांजगीर चांपा जिले के माटी पुत्र स्वर्गीय बिसाहू दास जी महंत की जयंती के अवसर पर जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं बीरगहनी में कबीर संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल, जांजगीर विधायक मोतीलाल देवांगन सहित प्रदेश भर के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर चरणदास महंत ने सभी की अगुवाई की। कार्यक्रम में विख्यात कबीर भजन गायक बिमल बावरा ने प्रस्तुति दी, जिसे लोग घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। इसी दौरान पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें धरोहर कहा। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी उन शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों के दुख दर्द को समझा, किसानों के दर्द को समझा, और जांजगीर जिला जो आज पूर्ण सिंचित है वो सबसे योगदान आदरणीय महंत जी का है। और बहुत सारे उनकी कृति हैं, उनके व्यक्तित्व हैं, उनके कर्म हैं, जिसे हम लोग आज भी स्मरण करते हैं और वो हमारे लिए एक धरोहर के रूप में। कबीर संध्या के दौरान प्रदेश भर से स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के अनुयायी और उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जो इस बात को दर्शाता है कि स्वर्गीय महंत की मातृभूमि और कर्म क्षेत्र जांजगीर चांपा जिले के अलावा अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमेशा उनका प्रभाव रहा है। वे पार्टीगत राजनीति से परे पूरे प्रदेश में सभी के लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता थे। विरोधी भी स्वर्गीय महंत के कार्यों और उनके व्यक्तित्व के कायल थे। सिटी न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से बिट्टू शर्मा के साथ प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।